मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए हैं और अर्जुन के शानदार गेंदबाजी की वजह से देश भर में उनकी तारीफ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उन्हें टीम इंडिया की तरफ से भी खेलने का मौका मिलेगा। फिलहाल वो मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में खेले जा रहे कूच बिहार ट्रॉफी मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने दिल्ली के खिलाफ 5 विकेट चटकाए। मुंबई की ओर से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 98 रन देकर ये कारनामा किया, जिसके बाद बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही दिल्ली के बल्लेबाजों पर अंकुश लगा और अर्जुन के इस प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली की टीम फिरोज शाह कोटला मैदान पर विशाल स्कोर नहीं बना पाई। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को एक अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। वो हाल ही में अंडर 19 टीम के साथ श्रीलंका के दौरे पर भी गए थे, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए हैं और अर्जुन के शानदार गेंदबाजी की वजह से देश भर में उनकी तारीफ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उन्हें टीम इंडिया की तरफ से भी खेलने का मौका मिलेगा। फिलहाल वो मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में खेले जा रहे कूच बिहार ट्रॉफी मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने दिल्ली के खिलाफ 5 विकेट चटकाए। मुंबई की ओर से खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 98 रन देकर ये कारनामा किया, जिसके बाद बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही दिल्ली के बल्लेबाजों पर अंकुश लगा और अर्जुन के इस प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली की टीम फिरोज शाह कोटला मैदान पर विशाल स्कोर नहीं बना पाई। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को एक अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। वो हाल ही में अंडर 19 टीम के साथ श्रीलंका के दौरे पर भी गए थे, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब।